अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम है आपको एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम प्रैक्टिस करते हुए इंजर्ड हो गए हैं। जराए ने बताया कि प्रैक्टिस करते हुए इमाद वसीम का घुटना मुड़ गया है, जिसके बाद 15 और 17 अप्रैल को होने वाले फिटनेस टेस्ट में इनका पास होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 15 और 17 अप्रैल को लाहौर में फिटनेस टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें क्लियर होने वाले खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेल सकेंगे। लेकिन अब इमाद वसीम का इस टेस्ट में कामयाब होना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों, जराए के मुताबिक इमाद वसीम अब शायद 5 मई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले T20 और एकदिवसीय मैचेस की सीरीज में भी शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, इमाद वसीम पाकिस्तान के बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और बल्लेबाजी में भी जाराना मिजाज रखते हैं। ताहम अब इनकी क्रिकेट में सबसे बड़े और अहम मुकाबले में शमूलियत मशकूक हो गई है। दोस्तों, इमाद वसीम को वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए 5 दिन के बाद होने वाले फिटनेस टेस्ट में कामयाबी हासिल करना होगी, जो कि इसकी इंजरी के बाद बहुत मुश्किल हो गई है। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए नहायत ही अहम है, इसलिए सीरीज में शामिल होना भी वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी के लिए बहुत अहम है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।